राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सच्चाई कही, कुछ गलत नहीं कहा जी। अगर नानक के बंदे सिख यहाँ ना होते तो आंदोलन के लोग भूखों मर जाते और अभी तक वो घर वापस लौट जाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुद्वारों के लंगरों को जो हमारी पेट की भूख मिटा रहे हैं, और खुले आसमान में जहाँ लोग जीने जीना तो बाहर है, इतनी ठंड है और हम लोग उनकी वजह से बैठे हैं। मैं अपील करता हूँ जिन्होंने मोटे मोटे पेट बढ़ा लिए हैं, मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, वो भी लोग निकल के आए, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये किसान उनके भी शिष्य हैं, किसान दान दक्षिणा उनको भी देता है। तो मैं चाहता हूँ अयोध्या के पंडे, मथुरा के पंडे, काशी के पंडे सब निकल के आएँ और लंगर लगाएँ जैसे हमारे सिख भाई लगा रहे हैं। हम भी देखिए सन्यासी हैं, हमें दर्द लगा, मुझे बुरा लगा तो हम लोग भी निकल करके मैदान में आ गए। और आजकल उन्होंने तो अपना चेहरा आसाराम के छोटे भाई झासाराम जैसा बना रखा है। आज उन्हें आप देखिए तो आसाराम की याद आ जाती है। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो आदमी वायदा करके भी अपनी बातें पूरी करेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है। अगर हम चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो लोकतंत्र उसको प्रधानमंत्री से दोबारा चाय बिछवा सकता है। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है, हम लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और पूरे देश भारत के सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, रविदासियों से, कबीर मठों से हमने आह्वान किया है कि देश भारत का किसान मर रहा है, तानाशाही सरकार उनको ख़त्म करना चाहती है, उनको किसानों से मजदूर बनाना चाहती है, उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। ऐसे इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए अधार्मिक सामाजिक लोग कब निकल के आएंगे, इसलिए हमें शर्म लगी तो मैं आज उनके किसानों के बीच में खड़ा हूँ जी। तो इसमें जो आपका समर्थन है किसानों को, और ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें किसान ही हैं केवल और अदर कोई नहीं है, लेकिन आप बहुत भिक्षु होने के नाते यहाँ पर आए हो तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकता है, आपको डर नहीं लगता इस चीज़? ये किसानों का आंदोलन है, चाहे जिस धर्म में हम हों या कोई भी हो, और चाहे जिस जाति कम्युनिटी का हो, इसके पहले वो किसान है। ये देश भारत ऋषियों का और कृषि का देश है, यहाँ कृषि प्रधान देश है और ऋषियों का देश है। इसलिए अगर कृषि वालों के साथ अगर ऋषि खड़े नहीं होंगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो इसमें एक सवाल उठाया था अभी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी ने पंडितों पर, जो मंदिरों के अंदर पंडित बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पंडित दिखाई नहीं दिया, केवल सिख और बौद्ध है और बाकी किसान है जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। तो उससे अलावा उन्होंने ये सवाल किया था कि जो पंडित है जो मंदिरों का चढ़ावा खाते हैं, हमारी माताएं बहनें मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन आज उन पंडितों के यहाँ से कप चाय तक भी नहीं मिल रही किसी को। तो इस सवाल के ऊपर आपका क्या कहना है कि वो पंडित आज क्यों दिखाई नहीं दे रहे? राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सच्चाई कही, कुछ गलत नहीं कहा जी। अगर नानक के बंदे सिख यहाँ ना होते तो आंदोलन के लोग भूखों मर जाते और अभी तक वो घर वापस लौट जाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुद्वारों के लंगरों को जो हमारी पेट की भूख मिटा रहे हैं, और खुले आसमान में जहाँ लोग जीने जीना तो बाहर है, इतनी ठंड है और हम लोग उनकी वजह से बैठे हैं। मैं अपील करता हूँ जिन्होंने मोटे मोटे पेट बढ़ा लिए हैं, मंदिरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, वो भी लोग निकल के आए, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये किसान उनके भी शिष्य हैं, किसान दान दक्षिणा उनको भी देता है। तो मैं चाहता हूँ अयोध्या के पंडे, मथुरा के पंडे, काशी के पंडे सब निकल के आएँ और लंगर लगाएँ जैसे हमारे सिख भाई लगा रहे हैं। हम भी देखिए सन्यासी हैं, हमें दर्द लगा, मुझे बुरा लगा तो हम लोग भी निकल करके मैदान में आ गए हैं जी। आंदोलन काफ़ी विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है, काफ़ी दिन हो गए इसको, और इसमें आप पीएम मोदी का अभी तक कोई ठोस बयान नहीं आया, कोई समाधान नहीं निकाला, क्या लगता है आपको कि समाधान निकलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? इस सरकार ने सब कुछ तो बेच दिया, कुछ बचा नहीं है। ट्रेनें बेच दी, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, कुछ भी नहीं बचा। आखिर वो और कैसे प्रसन्न कर पाता अडानी अम्बानी को, इसलिए उन्होंने किसानों को ही बेच दिया है। अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो किसान की हत्या हो जाएगी, किसान अपने आप में मजदूर हो जाएगा और सारे अनाज पर अडानी अम्बानी कब्जा कर लेगा, मंडियों पर कब्जा कर लेगा और किसान मजदूर हो जाएगा, और मजदूर खरीद करके भी नहीं खा पाएगा, इतना महंगा वो बेचेंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी देश भारत की। इसलिए हम चाहते हैं कि देश हमारा खुशहाल रहे, अमन चैन रहे, इसलिए आज हम किसानों के साथ खड़े हैं जी। तो ये इसको आप साजिश समझते हैं कि साजिश है जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको ये दिया जा रहा है सब कुछ, और इससे बाहर कैसे निकला जाएगा? क्या मोदी अपनी इस साजिश में कामयाब हो सकते हैं, या इतनी संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ऐसा फैसला लेंगे कि किसानों के हित में ये बिल वापस हो जाएंगे? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया।
आज उसकी जिम्मेदारी है कि किसानों की हत्या ना होने दे, बचाए। लेकिन उन्होंने फिर भी बर्बरता दिखाई, किसानों के ऊपर पानी के फुब्बारे मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिर भी हमारे मन में हिंसा नहीं आई। आज भी हम अहिंसा पर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चाय जैसे हम जी रहे हैं, यहाँ जी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरी उम्मीद है ये तानाशाही सरकार आज नहीं कल किसानों के दरवाजे घुटने टेकेगी और हमारी बात को मानेगी, बिल वापस करेगी। जी, तो एक लास्ट सवाल है हमारा कि मोदी मन की बात कहते हैं, मन की बात अपनी ही कहते हैं लेकिन दूसरे के मन की बात नहीं सुनते, और अपने आप को एक ईमानदार व अच्छे नेता की छवि में समझते हैं, और दाढ़ी भी बढ़ा लिया उन्होंने काफ़ी लंबी, तो इससे आप क्या देखते हैं कि दाढ़ी बढ़ाने का क्या उनका उद्देश्य है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब पहले आए, हमारे यहाँ अतिथियों का सम्मान होता है जी, उन्होंने हमें विश्वास दिया, हम विश्वास में आ गए, भोले भाले लोग हैं, शील सदाचार भाईचारा हमारे दिलों में बसता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये व्यक्ति झूठ बोलता था, झूठे झूठे हम लोगों को वायदे करता था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और आजकल उन्होंने तो अपना चेहरा आसाराम के छोटे भाई झासाराम जैसा बना रखा है जी। आज उन्हें आप देखिए तो आसाराम की याद आ जाती है। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो आदमी वायदा करके भी अपनी बातें पूरी करेगा, लेकिन ये लोकतंत्र है। अगर हम चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो लोकतंत्र उसको प्रधानमंत्री से दोबारा चाय बिछवा सकता है। यहाँ हम लोगों ने बदलते हुए चेहरे बहुत देखे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। मैं तो अपील कर रहा हूँ इन सभी लोगों से कि शासक बनने का मौका सबको नहीं मिलता है, लाखों में कोई एकाध वीर पैदा होता है जो शासक बनता है, और शासक वही होता है जो सबके साथ न्याय करता है। और एक व्यक्ति को ज़्यादा शासक दे दे और किसी लोगों की गर्दन काट दे, ये शासक नहीं, ये कायर आदमी का एक हिसाब किताब होता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, आप भी जागो और किसानों की हत्या से रोको, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।